हेलो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ दोस्तों, एसएससी जेई का फर्स्ट पेपर का दोस्तों रिजल्ट आउट हो गया है। अब आप लोग का जो कमेंट आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या गया है, तो कट ऑफ हम बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियर के लेके और दोस्तों मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लेके हम बात करने वाले हैं। हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं और कितने कैंडिडेट अवेलेबल है वो भी हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे और कैंडिडेट अवेलेबल हम देखने वाले हैं। एससी देखिए, आप देखोगे सिविल इंजीनियर का है ये, सबसे पहले हम कट ऑफ देख रहे हैं। सिविल इंजीनियर में जो कट ऑफ गया एससी कैंडिडेट के लेके, आप देखोगे 101.85 कट ऑफ गया, यानी 101.85 गया कट ऑफ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कितने अवेलेबल है स्टूडेंट, 2602 स्टूडेंट अवेलेबल है। अब एसटी का जो कट ऑफ गया आप देख सकते हो, एससी से कम एसटी का गया है जो कि 97.83 गया है। आप देख सकते हो 97.83 गया है और इसमें टोटल जो अवेलेबल है यहाँ पर देखोगे 1233 स्टूडेंट अवेलेबल है। इसके बाद आप देखोगे ओबीसी का जो कट ऑफ गया है, जो आप देखोगे 106 यहाँ पर 116 कट ऑफ गया है, 0.82 गया है जो ओबीसी का गया है, ये सिविल इंजीनियर का है, जिसमें कैंडिडेट अवेलेबल है यहाँ पर देखोगे 4499 अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया 109.20 गया है। इसके बाद देखोगे जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया आप देखो सिविल इंजीनियर में 122 यानी देखो 122.92 गया। आप दोस्तों देख सकते हो ये जनरल कैटेगरी का है, जिसमें अवेलेबल यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे 1111 कैंडिडेट अवेलेबल है। इसमें देखोगे ओएच यहाँ पर हर एक कैटेगरी जो आपको मिल जाएगा देखने, एचएच जो कैटेगरी होता है इसमें देखोगे 40.07 गया है यहाँ पर कट ऑफ देखोगे। अदरवाइज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का देखोगे 48 गया है। ये दोस्तों सिविल इंजीनियर का है, इसमें आप देखोगे टोटल जो है अवेलेबल है कैंडिडेट यहाँ पर देखोगे 11765 कैंडिडेट अवेलेबल है। आप देख सकते हो अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लेके कट ऑफ जो गया है। अब देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के कट ऑफ के लिए हम बात करने वाले हैं। हर एक कैटेगरी वाइज देखेंगे कट ऑफ, यहाँ पर देखोगे इसको और कितने कैंडिडेट अवेलेबल है वो भी हम बात करने वाले हैं। एससी का गया देखोगे 112.97 गया। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ये कट ऑफ जो एससी कैंडिडेट के लेके है, यहाँ पर देखोगे सिविल के कंपेयर में यहाँ पर देखोगे ज़्यादा ही है होता है कट ऑफ। आप देख सकते हो यहाँ पर एससी का हो गया, एसटी का जो कट ऑफ गया 101.37 गया है। आप देख सकते हो इसमें दोस्तों एससी का ज़्यादा गया है, एसटी का दोस्तों कट ऑफ कम गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी का 131 गया है। आप देखोगे ओबीसी का 131 गया कट ऑफ, जो कि 1546 बच्चे अवेलेबल है। यहाँ पर देखोगे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया जो 120 गया है। यहाँ पर देखो कैंडिडेट कितने अवेलेबल है, 761 अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, आप देखोगे 132.06 गया है। आप देखोगे 551 बच्चे अवेलेबल है। यहाँ पर देखोगे ओएच का जो 86.18 गया है, यहाँ पर 102 बच्चे अवेलेबल है। यहाँ पर देखो ये सब कट ऑफ गया है, ये पेपर दोस्तों वन का है। आप देख सकते हो यहाँ से कट ऑफ देख पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो का लाइक और शेयर करें और अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।